सो आवर टुडे टॉपिक इज सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग. बेसिकली इट इज़ अ लर्निंग मॉडल. इट वॉज द न्यू रिसर्च विच टुक प्लेस इन 2006 एंड फ्रॉम दैट डे टू स्टिल इट इज़ वेरी पॉपुलर एंड विल फॉर एवर बी इम्पैक्टफुल इन स्टूडेंट्स लर्निंग. क्या कह रहे हैं, ये एक लर्निंग मॉडल है. ये एक न्यू रिसर्च थी, कब हुई थी, 2006 में, और अब तक फ्रॉम डैट डे टू स्टिल इट इज़ वेरी पॉपुलर. ये बहुत मशहूर रिसर्च है और हमेशा जो है ये इम्पैक्टफुल रहेगी स्टूडेंट्स लर्निंग में. दिस मॉडल वॉज गिवन बाय बैरी जे ज़िमरमैन. ये मॉडल जो है बैरी जे ज़िमरमैन ने दिया. यस, बैरी जे ज़िमरमैन ने इस मॉडल को पेश किया था. हु वॉज बैरी जे ज़िमरमैन? यस, तो बैरी जे ज़िमरमैन एक ऐसे नॉन एजुकेटर थे जो पैशनेट थे लर्निंग को लेकर, और उन्होंने ये बेसिकली तौर पे इनका कंट्रीब्यूशन ये था कि हम अपनी सेल्फ लर्निंग को किस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं. मतलब जो चीज़ें हमें पता है हम उसी को किस तरीके से फोकस्ड के साथ बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं थ्रू सोशल लर्निंग. हिज मॉडल कंप्राइजेस ऑफ 3 फेजेस. इनका जो ये सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग का जो प्रोसेस है पूरा, वो 3 फेजेस में है, और उन फेजेस के अलग से पार्ट हैं, वो हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं. So the name of phases are for thought phase, performance phase and self-reflection phase. So हमारा first phase जो था वो for thought phase था, ठीक है, जिसके हमने क्या लिखे हैं, 2 phases हो सकते हैं. अगर basically तौर पर देखा जाए तो task analysis है and self-motivation है. अब इनके जो parts होंगे हम उनको मज़ीद discuss करेंगे. सो हमारे पास टास्क एनालिसिस में 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं. सबसे पहला हमारा होता है गोल सेटिंग क्या होगी हमारी, एंड सेकेंडली जो चीज़ हमारे पास होगी वो होगी स्ट्रेटजिक प्लानिंग. अब देखें हम अपनी लर्निंग में गोल सेटिंग को क्या कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे आपको गोल सेट करना होगा, आपको आपकी जो क्लास में लर्निंग हुई है आज आपको 5 पेजेस रिवाइज कर लेने हैं, तो ये क्या है, गोल सेटिंग है. अब इसके लिए आपने प्लानिंग की है कि हमारा एक पेज अगर 5 मिनट्स में होगा तो हमारे और टोटल हमें 5 पेज करने हैं वो 25 मिनट्स में होंगे, और अगर वो 20 मिनट्स में हो जाएँ या वो 30 मिनट्स में हो रहे हैं तो वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अपोजिट हो रहे हैं, हम अपने आप को मैनेज करवा रहे होंगे. तो टास्क एनालिसिस में हमारा क्या हो गया, गोल सेटिंग है, और क्या है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है. सो सेकेंड थिंग इज सेल्फ मोटिवेशन. हम लोगों की बात सुन सुनकर और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल्फ एफिकेसी हमारे अंदर है कि हाँ यार मैं इतने दिनों में ये काम कर लूँगा, हाँ यार मैं इस तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर लूँगा, हाँ मैं इस तरीके से अपनी लर्निंग को बेहतर से बेहतरीन बना लूँगा. क्यों करते हैं हम ये काम, क्योंकि हमारे पास एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमें अपने आप से, हमें हमारा लर्निंग आउटकम्स पता होता है, और हमारा इंटरेस्ट जो होता है वो हमें गोल ओरिएंटेड बना लेता है. परफॉर्मेंस फेज हैज़ 2 मेन पार्ट्स, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ ऑब्जर्वेशन. यस, तो मेन चीज़ जो होती है सेल्फ कंट्रोल में, और यह मैं परफॉर्मेंस फेज की बात करता हूँ, तो उसमें आप असल लर्निंग जो ले रहे होते हैं वहाँ पे आपका अपना खुद का कंट्रोल क्या होता है, उसमें आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है. जब आप एग्ज़ाम देते हो तो आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड में वो चीज़ ख़त्म करनी होती है, अपनी इमेजिनेशंस को बहुत बिल्डअप करना होता है कि अगर ये क्वेश्चन मिस ने हमें नहीं करवाया था, लेकिन हमारी जो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग थी उसमें कहीं ना कहीं तो ये टॉपिक होगा ना. जिस तरीके से फिज़िक्स के एक दफ़ा पेपर में 2018 में पास्कल्स लॉ पूरा लिखा हुआ आ गया, तो बच्चों से पूछा गया था कि कौन सा लॉ है, और बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे, तो उनको आउटवर्ड में ये क्वेश्चन दे दिया गया था. उसके बाद टाइम मैनेजमेंट भी है यहाँ पे, टास्क स्ट्रेटजी भी है कि आपका जो टास्क है उसकी स्ट्रेटजी आपने क्या सोची है, हर सवाल को किस तरीके से आपको करना है. मिसाल के तौर पर शॉर्ट में आया हुआ है गिव 2 एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल प्रिंसिपल, ठीक है, या किसी लॉ के कुछ एप्लीकेशंस आ गई हैं, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशन, तो आप शॉर्ट में उसको किस तरीके से करोगे. तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, सेल्फ कंट्रोल, जहाँ पे नो वन इज़ सीकिंग टू हेल्प यू, ठीक है, नो कोई भी आके आपसे हेल्प नहीं लेगा ना आपको हेल्प करेगा, इसमें आपको अपनी हेल्प भी खुद करनी है. सो सेकेंड पार्ट ऑफ सेल्फ फेस इज बेसिकली तौर पर क्या होता है, हमारे पास सेल्फ ऑब्जर्वेशन होती है. सेल्फ ऑब्जर्वेशन में आप अपनी खुद की मॉनिटरिंग करते हो, अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे होते हो, मतलब आप ये रिकॉर्ड कर पा रहे होते हैं अपने टीचर्स की उन लर्निंग को जो वो आपको पढ़ा रहे हैं, अपना लेक्चर दे रहे हैं, कि आपके माइंड ने उसको सही तरीके से रिकॉर्ड किया, उसको सही तरीके से गेट किया. जस्ट लाइक एग्जाम में जो क्वेश्चन आया आप उसको सही तरीके से समझ पाए, क्या उसके एडवांटेजेस हैं तो मेरिट्स हैं, तो उसमें क्या कंपेयर कुछ कर सकते
सकते हैं, क्या कुछ डिफरेंट है या नहीं है, उन बेसिस पर बात की जा रही होती है। तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, होती है मॉनिटरिंग और मेंटोरिंग। मतलब आप अपने आप को, अपनी लर्निंग को खुद मॉनिटर कर रहे होते हो और उसको अपने आप को एज अ मेंटोर रखते हो आप कि मैं ही अपना मेंटोर हूँ और मैं ही अपनी लर्निंग की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। अपने आप को एक तरीके से हर सेंसेस में ऑब्जर्व कर रहे होते हो। सो दिस इज़ आर लास्ट फेज, सेल्फ रिफ्लेक्शन फेज। और सेल्फ रिफ्लेक्शन फेज के टू कोर पार्ट्स होते हैं, सेल्फ जजमेंट एंड सेल्फ रिएक्शन। सेल्फ जजमेंट फेज एंड यू कैन ऑल्सो से इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन सेल्फ एवेल्यूएशन फेज, जहाँ पे आप अपने आप को खुद जज करते हो, अपने आप को खुद एवेल्यूएट करते हो कि आइदर आई एम राइट और आइदर और आई एम ऑन रॉन्ग पाथ। मतलब मैं किस पाथ पर हूँ, सॉरी पाथ किस रास्ते पर हूँ, मैं राइट पर हूँ, मैं रॉन्ग पर हूँ। हम अपनी लर्निंग से, अपनी परफॉर्मेंस से अपने आप को अब क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, अपनी लर्निंग को एवेल्यूएट कर रहे हैं। Now we have one more thing, self-reaction. What is self-reaction? Self-reaction is also a part of this phase and ये adaptive भी हो सकता है और defensive भी हो सकता है। Adaptive, if you qualified the test, means जो आपने test दिया उसमें आप pass हो गए, उसमें आपको adaptations मिल गई, तो आप adaptive हो। Defensive, आप उसमें नाकाम हो गए, किसी वजह से आप fail हो गए, तो आप क्या हो जाते हैं, defensive हो जाते हैं। अब आपको अपनी तमाम learnings को, तमाम चीज़ों को pick करना है कि कहाँ पर कहीं पे मोटिवेशन में गलती हो गई, कहीं पे परफॉर्मेंस में गलती हो गई, जो मटेरियल मेरा रॉन्ग था वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए, और अगर राइट था तो बहुत अच्छी बात है, अब इस मटेरियल को मैं प्रमोट करूँगा या मैं प्रमोट करूँगी। तो ये हमारे तीनों फेसेस थे।